आम्रपाली, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। कहा भाई? क्या है यादव, समझा के भेजा था ना तुम्हें कि ध्यान रखना, और ये ध्यान रखा तुमने? तुम आदमियों की पजामा यार सर, वो हम क्या बकवास मत करो, जाओ ऐसे जाओ। भैया आपने यादव को क्यों डांटा? उसी ने तो अपनी जान जोखिम में डाल के मेरी जान बचाई। अगर वो नहीं होता तो आज शायद मैं जिंदा नहीं होती। अगर आपको किसी को डांटना ही है तो उस राहुल को डांटिए। एक तो इतनी रफ ड्राइविंग कर रहा था, और उसके बाद उसकी गलती की वजह से जब मेरी जान को खतरा हुआ तो भाग गया। ये कैसा आदमी है? बबनी, ऐसा ना कहे के चाहिए, वो तो हार होखे वाला पति है। भाभी प्लीज, ऐसे आदमी की जीवन संगिनी बनने से अच्छा तो किसी लड़की की मौत हो जाए। आम्रपाली, कूल बेटा, गो एंड टेक रेस्ट, जाओ आराम करो, जाओ बेटा। देखा पिंटू साहब, गाढ़ा जहाँ खनब वही में हगिया, यहाँ वहाँ गंदगी कई, बहुत गलत बात। यादव जी, मैडम कहाँ जा रहे हो? पिंटू साहब के सोच करावे जाता नहीं मैडम जी। रुको, रामदीन जी। मैडम, आज से पिंटू का ख्याल आप रखेंगे। जी ऐसा मत करी मैडम जी। मैडम जी, हमसे गलती हो गई मैडम जी, पर वो बहुत मजबूरी रहे मैडम जी, वो आपके जान के खतरा रहे, इस मजबूरी में हमके आपके मुंह में फूके के पड़ा, हमके माफ कर दी। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। अच्छा, बल्कि नाराज तो तुम्हें मुझसे होना चाहिए। मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत भूल कर दी यादव, तुम सच में एक बहुत बहादुर सिपाही हो, और मैं तुमसे ये सब काम करवा कर अपराध कर रही थी, मुझे माफ कर दो। ऐसा बोल के हमके शर्मिंदा मत करी मैडम जी। अच्छा, एक बात पूछूं? जी मैडम जी। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, इतना भला बुरा कहा, फिर भी मेरी जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी और पानी में छलांग लगा दी। अरे मैडम जी, वो तो हमार फर्ज रहे, और वर्दी के गो जिम्मेदारी होला, जब इस शरीर पे पड़ जाला तो आदमी की जान के ना फर्ज के चिंता हो खेला, और पानी का आग में गिर लती तो हम ओ में कूद जाती। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू यादव, आज मुझे तुम में एक अलग इंसान दिख रहा है। हमारे देश को तुम्हारे जैसे सिपाही की जरूरत है। मैं आज तक तुमसे इतनी बदतमीजियां करती रही, I'm really sorry। अरे ना मैडम जी, आप हमके माफ कर देनी, इतने बहुत बात। अच्छा बताओ, तुमने मेरी जान बचाई है, बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। तुम मांगो, तुम आज कुछ भी मांगोगे तो मैं दूंगी। कुछ भी? हाँ कुछ भी। लागत आज मन के मुराद पूरा हो जाए। बोलो यादव। मैडम जी, अगर आप हमके कुछ देवल चाहता नहीं तो हमार पोस्टिंग कोनो थाना या चौकी पर करवा दी। इतनी छोटी सी चीज मांगी है तुमने। मैडम जी, आप खातिर छोट चीज हुई, हमार तो बचपन से यह सपना रहे, और जवान भैला के बाद पुलिस में भर्ती भई, और यह सोचत रही कि थाना में पोस्टिंग हुई और गुंडा बदमाश लोग के दौड़ा दौड़ा के मारे, प्रमोशन मिली और हम तो एसपी तक बनना चाहता नहीं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, और देखना तुम जरूर बनोगे। जाओ अपना सामान पैक कर लो, मैं भैया से कह के कल ही तुम्हारी पोस्टिंग किसी थाने पे करा दूंगी। थैंक यू मैडम जी। सो स्वीट। अरे माई प्रणाम। खुश रहा बचवा। माई तोर पूजा सफल हो गई। देवी माई तोर सुन लेनी, हमार पोस्टिंग थाना पे हो गई। अच्छा, अरे दुर्गा माई तो हर लंबी उम्र करे बेटा। हाँ, हम काले काली माई की जाके करहिया चढ़ा के आई। हाँ, खुशी में सुना बस को पतो लिया था बस। अरे माई ठीक है, लेकिन सुन। हाँ। जल्दीबाजी मत करिए। हाँ, काहे कि हम अपन ब्याह अपने पसंद से करब, लड़की देख के। अच्छा अच्छा ठीक बा, अब रखा, कुल बात फोन में मत करा। अच्छा, हाँ अभी हमके पैकिंग करे के। अच्छा ठीक बा। हाँ ठीक है, पालन। यादव जी, मैडम किससे बात कर रहे थे? हाँ, माई से बात करत रहनी है, उनके जब पता चला लगे हमार पोस्टिंग हो गई बा थाना पे, बहुत खुश हो गई लिया। अच्छा, और किसकी शादी की बात हो रही थी? हमारे ही शादी की बात होते रहला, बहुत देखने आ रहा होता रे सन, तब वह हम कहनी है कि जल्दीबाजी कल ठीक नहीं की। अच्छा, अभी तुम फोन पर बोल रहे थे कि लड़की को देखोगे, पसंद करोगे, उसके बाद शादी करोगे, तो कैसी लड़की से शादी करना चाहते हो?
अरे शर्मा क्या रहे हो, किसी से प्यार व्यार करते हो क्या? अरे ना ना मैडम जी, ऐसा कोनो बात नहीं के। तो बताओ ना, कितनी सुंदर लड़की चाहिए? अब बस सुंदर होके के चाहिए और का। अरे बस सुंदर मतलब कितनी सुंदर? मैडम जी हम बताइब तो आप नाराज हो जाए। अरे मैं क्यों नाराज होंगी, बताओ ना कितनी सुंदर लड़की चाहिए? मैडम जी आपे की जितना सुंदर होके की चाहिए। मेरे जितनी? मुझ में ऐसी क्या खास बात है? अरे मैडम जी आपके जितना सुंदर देश में एक आधे को मिली है, करोड़ों में केहू केहू होला आपके जितना सुंदर। थैंक्स, मैं भगवान से प्रे करूंगी कि तुम्हें मेरी ही तरह लड़की मिले। थैंक यू मैडम जी। ये लो यूनिफॉर्म, एक सिपाही को देने के लिए मेरे पास इससे अच्छा तोहफा नहीं था। थैंक यू। और ये मोबाइल भी रखो, मैं व्हाट्सएप पे तुम्हें मैसेज किया करूंगी। थैंक यू मैडम जी। मैडम जी जब हमरा खातिर इतना कुछ कहनी है तब एगो काम और कर दी। क्या? हमके 2 दिन की छुट्टी दिलवा दी, हम घरे जाके आ जाए। मैं भैया से बात करूंगी। थैंक यू। अच्छा राकेश भाई। भैया हमरा से कोनो गलती हो गई लोई तो माफ करिया। अरे यार माफी मत मांगा, तू सच्चा आदमी होगा और सिपाही के सच्चा रहे के चाहिए। ठीक है भैया। काओ पलटू। अरे यार काहे रोता रहा? ना यादो, ये खुशी के आंसू है, तू हर सपना पूरा हो गई। थैंक यू यार। चला रामदीन भाई। तोर बहुत याद आई मर्दे, तेरे के बहुत मिस करे। अरे यार तो फोन करिया, मिले आज कोनो विदेश जाता नहीं। चलो ध्यान रखिए अपन। यादव। ओहो का भाई अब आओ चलो। आ तू चलबा तो यहाँ अलुआ के छीली। अरे यार अपन ध्यान रखिए लोग। अच्छा चश्मा निकाला हमके लगावा। चला।